Welcome to Android World Podcast. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल Android World for VI में। और मेरा नाम है योगेश, और इस पॉडकास्ट या कहीं इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा एक फीचर के बारे में जो कि हमारे फ़ोन में होता है, और ये फीचर हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके बारे में कुछ लोगों को पता है और आई थिंक कुछ लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, तो आइए हम इसी फीचर के बारे में जानेंगे और मैं इसका आपको एक प्रैक्टिकल देने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा कि इस फीचर किस प्रकार यूज़ किया जाता है। ये फीचर है स्क्रीन पिनिंग के नाम से, और ये हमको सेटिंग एंड उसके बाद सिक्योरिटी में मिलता है। तो मैं इसके बारे में आज आपको बताऊंगा कि इस फीचर को क्या यूज़ है हमारे लिए और फीचर को किस प्रकार हम यूज़ करते हैं स्क्रीन पिनिंग के नाम से जो फीचर जाना जाता है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं Lenovo का फाइव प्लस यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन फैबलेट, एंड लॉलीपॉप वर्जन है 5.1 विद लेटेस्ट टॉक बैक। तो एक्चुअली ये फीचर हमारे लिए काफ़ी यूजफुल है स्क्रीन पिनिंग का, बिकॉज वो इसलिए कि सपोज़ कीजिए फॉर एग्जांपल मैंने किसी से फ़ोन मांगा एंड मैं एक नया आदमी हूँ, मैं उससे नहीं मिला पहले कभी, और वो भी नहीं चाहता कि वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखे। तो सपोज़ कीजिए मैंने उससे फ़ोन मांगा कॉल करने के लिए कि मुझे कॉल करना है, प्लीज़ अपना फ़ोन दीजिए। तो वो क्या करेगा कि मुझे अपना फ़ोन जो ऐप है उसको ओपन करके दे देगा कि लीजिए अब आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद मैंने सोचा ला इसमें चेक करता हूँ और क्या क्या है इसके फ़ोन में, बिकॉज अक्सर कुछ लोगों की आदत होती है देखते हैं किसी का ही फ़ोन को मिलता है तो वो कोशिश करते हैं कि इसके फ़ोन में चेक किया जाए इसके फ़ोन में जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या है। तो वो ऐसा नहीं कर सकता अगर ये इस फीचर को अनेबल किया जाए स्क्रीन पिनिंग को, क्योंकि वो कॉल करने के बाद जैसे ही बैक बटन प्रेस करेगा तो वो बाहर नहीं आएगा उस ऐप से। उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा एंड वो यूज़ करना एंड उसको किस प्रकार यूज़ किया जाता है इसका मैं आज आपको डेमोंस्ट्रेशन देने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम सेटिंग में चलते हैं, सेटिंग में जाने के बाद मैं सिक्योरिटी में जाऊँगा एंड वहाँ पर स्क्रीन पिनिंग ऑप्शन मिलेगा मुझे जो कि ऑफ होगा, एंड मैं उसको ऑन करके आपको बताऊँगा इसको किस प्रकार यूज़ किया जाता है। थैंक यू। तो आइए चलते हैं, मैं सेटिंग में चलता हूँ। सबसे पहले मैं सेटिंग के अंदर जा चुका हूँ एंड मैं सिक्योरिटी में जाता हूँ। स्टोरेज, बैटरी, एप्स, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, डबल टैप टू एक्टिवेट। तो सिक्योरिटी सिक्योरिटी में मैं जाता हूँ। ओके, और सिक्योरिटी में जाने के बाद हम यहाँ पर स्क्रीनिंग देखते हैं कहाँ मिलता है हमको। मैं बिल्कुल बॉटम में अपनी फिंगर रखता हूँ एंड यहाँ से मैं राइट स्वाइप करता हूँ। ये एडवांस हेडिंग है, इसके बाद ही आपको स्क्रीन पिनिंग का आपको मिल जाएगा। ओके, जैसा कि इसमें बता दिया है स्क्रीन पिनिंग ऑफ है, तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, देखते हैं इसके अंदर क्या डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो उसके बाद मैं इसको ऑन करने की कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं, मैं इस पर डबल टैप करता हूँ, ये ओपन हो चुका है। ये ऑफ स्विच है, मैं इस पर डबल टैप करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो मैं राइट टैप करता हूँ। When turned on, you can use screen pinning to keep the current screen in view until you unpin. To use screen pinning, 1. Make sure screen pinning is turned on. 2. Open the screen you want to pin. 3. Touch overview. 4. Touch the pin icon. Okay, जैसा कि इसने बता ही दिया है कि आप किसी भी ऐप को ओपन करें एंड उसके बाद ओवरव्यू बटन पर टैप करें। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो सैमसंग डिवाइस हैं और जो एक आध दो और डिवाइस हैं उसमें ओवरव्यू बटन को रीसेंट बटन बोलता है टॉकबैक, वो रीसेंट बटन के नाम से जाना जाता है। बट कुछ डिवाइसेस में ये ओवरव्यू बटन के नाम से भी जाना जाता है जिसमें रिसेंट ऐप खुले होते हैं, ओपन हुए होते हैं। तो इसका जैसा कि इसने बताया, हम फ़ोन में जाते हैं, उसके बाद ओवरव्यू टैप बटन पर जाने के बाद वहाँ से हमको स्क्रीन पिनिंग ऑप्शन पर टैप करना होता है। खैर, इसको हम यूज़ करेंगे तब पता चलेगा इसके बारे में। तो मैं फिलहाल इसको जो कि ऑफ है मैं इसको ऑन करता हूँ।
पीजी ऑन हो चुका है बट डॉक्टर बताएगा नहीं ठीक है ऑन हो चुका है अब मैं यहाँ पर राइट स्वाइप करता हूँ क्या इसका डिस्क्रिप्शन आ रहेगी ओके ये पूछ रहा है जब हम किसी को फोन देने से पहले हम अपनी स्क्रीन को जब पिन करते हैं तो वो पूछता है कि आप वाकई आप इस स्क्रीन को पिन करना चाहते हो तो अगर इसको हम ऑफ कर देते हैं तो वो जैसे हम पिन पर डबल टैप करेंगे तो वो नहीं पूछेगा खैर मैं फिलहाल इसको ऑन ही रहने देने वाला हूँ तो अभी एक्चुअली सक्सेसफुली ऑन तो हो चुका है बट इसको हम अभी यूज़ नहीं कर सकते बट बिकॉज जब तक हम अपनी डिवाइस को रिस्टार्ट नहीं करते तब तक ये फीचर सक्सेसफुली अनेबल नहीं होगा बट फिर भी हम एक बार चेक करते हैं क्या ये अनेबल हो चुका है या नहीं तो मैं बैक आता हूँ एंड चलिए हम फोन एप्लीकेशन को ही ओपन करते हैं एंड फोन पर आने के बाद अब मैं यहाँ पर ओवरव्यू बटन पर टैप करता हूँ देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन पिनिंग का कोई बटन आया है क्या ओके तो यहाँ पर तो वो फीचर हमको नहीं मिला यानी कि स्क्रीन पिनिंग का बटन नहीं मिला इसीलिए मैं अपनी डिवाइस को रिस्टार्ट करता हूँ एंड रिस्टार्ट करने के बाद देखते हैं कि क्या वो फीचर इनेबल हुआ है या नहीं तो फ्रेंड्स मेरा फ़ोन सक्सेसफुली रिस्टार्ट हो चुका है एंड अब हम चेक करेंगे कि फीचर सक्सेसफुली इनेबल हुआ है अगर ये फीचर इनेबल हुआ है तो मैं इसको बताऊँगा कि इस फीचर को किस प्रकार हम यूज़ करते हैं तो मैं बैक आता हूँ एंड फ़ोन में जाता हूँ तो ये फोन एप्लीकेशन को मैंने ओपन किया है एंड अब मैं यहाँ पर ओवरव्यू बटन में जाऊँगा एंड चेक करूँगा वहाँ पर स्क्रीन पिनिंग का बटन मुझे मिलता है या नहीं क्योंकि बिकॉज मैं अपनी डिवाइस को सक्सेसफुली रिस्टार्ट कर चुका हूँ एंड आई होप अब वहाँ पर वो ज़रूर मिलेगा देखा होगा पहले यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था स्क्रीन पिनिंग का बट जैसे ही मैंने अपनी डिवाइस को रिस्टार्ट किया और ये ऑप्शन यहाँ पर मुझे बटन स्क्रीन पिनिंग का मिल गया तो मैं इस पर डबल टैप करता हूँ ध्यान रहे अगर आप किसी भी ऐप को पिन करना चाहते हैं इसकी स्क्रीन को तो सबसे पहले उस ऐप को ओपन कीजिए चाहे फिर वो गेम हो गेम की एप्लीकेशन हो चाहे कोई भी हो बिकॉज अक्सर हम कोई भी किसी को भी गेम वगैरह खेलने के लिए फ़ोन दे देते हैं और उसके बाद अगर हम स्क्रीन को पिन करते हैं तो वो गेम की भी एप्लीकेशन से बाहर नहीं आएगा ये तो फिर एग्जांपल दिया है मैंने फ़ोन की एप्लीकेशन का फिर चाहे वो गेम की एप्लीकेशन हो व्हाट्सएप हो कुछ भी हो स्क्रीन पिनिंग पर टैप करता हूँ मैंने टैप कर दिया है एंड अब देखते हैं स्क्रीन पिनिंग पर टैप करने के बाद ये दोबारा से मैं फ़ोन एप्लीकेशन में ही वापस आ चुका हूँ और उस फीचर को अनेबल करने के लिए मैं अपने राइट बॉटम पर एक बार फिंगर से टच करता हूँ बता भी दिया है कि स्क्रीन इज पिंड एंड अगर आप इसको अनपिन करना चाहते हैं तो टच एंड होल्ड ओवरव्यू बटन तो आइए देखते हैं मैं इसको गॉट इट का बटन है इस पर मैं टैप करता हूँ ओके तो स्क्रीन पिन हो चुकी है बट टॉकबैक अनाउंस नहीं करेगा इसलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट है इसलिए अब देखिए मैं बैक बटन पर प्रेस करता हूँ नहीं जाएगा एंड जब मैं होम पर प्रेस करता हूँ बैक नहीं होगा बिकॉज स्क्रीन पिन है ये तो अगर मुझे इसको अनपिन करना है तो मैं क्या करूँगा ओवरव्यू बटन पर लॉन्ग प्रेस करूँगा देखिए टॉकबैक ने अनाउंस नहीं किया बट मैं आपको बता दूं कि मैंने जैसे ही इस पर लॉन्ग प्रेस किया इसने क्या किया
पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई फ़ोन देता है तो जाहिर सी ये बात है कि वो अपने फ़ोन में पैटर्न, पिन या पासवर्ड स्क्रीन को अनलॉक करने के लिए यूज़ करता ही होगा। और अगर वो आपको स्क्रीन पिन करने के बाद फ़ोन देता है तो आप समझ सकते हैं कि वो आपको अपना पैटर्न और पासवर्ड और या फिर पिन वो नहीं बताएगा। तो बिकॉज अगर वो आपको बताना ही चाहता कि अपना अनलॉक का पासवर्ड, तो आपको स्क्रीन पिन करके नहीं देता। तो वही सिचुएशन है, मुझे उसने स्क्रीन पिन करके फ़ोन दिया एंड अब मैं फ़ोन से बाहर आना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, ओवरव्यू बटन पर लॉन्ग प्रेस किया। बट लॉन्ग प्रेस करने के बाद हुआ ये कि स्क्रीन लॉक हो गई एंड उसके बाद अनलॉक स्क्रीन मेरे सामने आ गई। इसको अनलॉक करने के लिए वो बोल रहा है बट मैं इस स्क्रीन को फ़िलहाल अनलॉक नहीं कर सकता बिकॉज इस स्क्रीन पर पिन है। देखिए बताता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे मैंने स्वाइप अप किया, इसने बोला पिन एरिया, यानी कि मुझे पिन डालना होगा तभी ये स्क्रीन अनलॉक होगी। बट मुझे पिन तो इसका पता ही नहीं है तो मैं इसको अनलॉक नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे जो इसका ऑनर है मोबाइल का, जो इसको यूज़ करता है, उसको वापस करना ही होगा तभी वो अनलॉक कर पाएगा। खैर मैं इसको अनलॉक करता हूँ क्योंकि बिकॉज मुझे तो पिन इसका पता है। इसलिए एंड 1478 पिन डालने के बाद देखिए अब ये मेरा फ़ोन अनलॉक हो चुका है। Five new messages. Five, August 4th. Apps. तो चलिए हम एक और ऐप चेक करते हैं। Flipkart. Double tap to activate. Double tap with volt. FM radio. Double tap to activate. FM radio को ओपन करता हूँ एंड अब मैं इसकी स्क्रीन को पिन करता हूँ, यानी कि किसी ने मुझे FM radio ओपन करके दे दिया और अब वो नहीं चाहता कि मैं इसके बाहर जाऊँ। तो मैं overview बटन पर प्रेस करता हूँ। Overview button. Home. Back button. Home. Home. Dismiss. Unlabeled. MM. Dismiss. Screen pinning. Screen pinning. And उसके बाद मैं bottom right पर finger touch करता हूँ. Screen is pinned. This keeps it immune until you got it. Got it. तो आपने देखा अब ये फ़ोन उसने मुझे दे दिया है स्क्रीन पिन करने के बाद। लीजिए आप इस फ़ोन को यूज़ कीजिए बट मैं इस फ़ोन से बाहर नहीं आ सकता, एफएम एप्लीकेशन से बाहर नहीं आ सकता। देखिए स्क्रीन पिन है, अगर मुझे पता है तो मैं ओवरव्यू बटन पर लॉन्ग प्रेस करूँगा। बट जैसा कि मैंने बताया कि उसने अपनी स्क्रीन को भी प्रोटेक्ट कर रखा है पिन से, तो मैं ओवरव्यू बटन को अगर लॉन्ग प्रेस करता भी हूँ तो मैं इसकी स्क्रीन को अनलॉक नहीं कर सकता बिकॉज देखिए पिन एरिया आ रहा है। तो इस तरह से इस फीचर का आप काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको अनलॉक करता हूँ। तो FM radio FM radio back button apps। तो इस तरह से इस फीचर का आप काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड आई होप ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा होगा बिकॉज मुझे लगता है कि कुछ लोग अपना फ़ोन दे तो देते हैं बट उनको ये डर रहता है कि कोई हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक तो नहीं कर रहा और पता नहीं वो क्या देख रहा होगा फ़ोन में। बिकॉज उसने अपना एक्सक्यूज देके ले तो लिया कि मुझे कॉल करना है, मुझे गेम खेलना है या फिर जो भी है, बट आपको नहीं पता रहता कि उसके बाद वो क्या क्या करना क्या कर रहा है आपके फ़ोन में। तो उस तरह से ये फीचर हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, इसीलिए मैंने इस ट्यूटोरियल में इस फीचर के बारे में बताया। आई थिंक ज़्यादातर लोगों को पता होगा बट जिन लोगों को नहीं पता इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ये ट्यूटोरियल। तो मैं इसके साथ पॉडकास्ट को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। If you like this podcast, like this video, share with other people, and don't forget to subscribe this channel. If you have any suggestion, please do share in comment section.
or you can send mail us on following email ID myaworld.team@gmail.com. For download accessible apps, games, article, podcast and discussion about Android, visit Android World website myaworld.net. That is myaworld.net. Visit and subscribe Android World for VI channel on YouTube. Our motive to make blind people smarter by using smartphones.